जी, तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे लोकल पेजेस एंड डायरेक्टरी से लिंक करना, अपनी साइट को बैक लिंक देना। लाइक अगर आपकी साइट लोकल बिजनेस है आपका, लाइक कोई डॉक्टर वगैरह का किसी स्पेसिफिक एरिया में कोई साइट है या रियल इस्टेट की स्पेसिफिक एरिया में, तो उसे हम किस तरह से बैक लिंक्स दे के रैंक करवा सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले लोकल फोरम्स यूज़ होते हैं, यानी कि वो फॉर्म जो आपके इलाके से हैं उन फॉर्म्स को हम यूज़ करते हुए तो बैक लिंक लेंगे। उसके अलावा लोकल ग्रुप्स हैं जिनमें आप आ सकते हैं, कि फेसबुक के जो ग्रुप्स हैं वो चलेंगे और ट्विटर पे जो पेजेस आएंगे वो चल सकते हैं। एंड इस तरह जो एड्स होते हैं उन पे हम काम कर सकते हैं लोकल ग्रुप्स के ज़रिए से। और उसके बाद लोकल पेजेस हैं लाइक फेसबुक, ट्विटर पेजेस जो और एड्स जो हैं वो जो लोकल एरिया से होंगे, हमारे एरिया के वहाँ से बैक लिंक लेंगे, तो उसे हम लोकल पेजेस एंड डायरेक्टरी लिंक्स कहते हैं। और लोकल डायरेक्टरी से जो आपके इलाके की डायरेक्टरीज हैं वहाँ से अगर कोई बैक लिंक लेता है तो उसे हम लोकल बैक लिंक्स कहते हैं। उसके बाद एक और है लोकल, जो है वो पर्सन से है, या लाइक फेसबुक पर्सन से, वो फेसबुक पर्सन जो आपकी एरिया में हैं आप उनको टारगेट कर सकते हैं एंड वहाँ से आप बैक लिंक्स ले सकते हैं। तो ये सब कुछ आता है वर्किंग विद लोकल पेजेस एंड डायरेक्टरीज में। उसके बाद है रेसिप्रोकल लिंकिंग, इज इट वर्थ द ट्रबल। जी, ये पहले जो है वो ज़्यादा बेस्ट रहता था मेथड के लिंक एक्सचेंज, जिसे हम कह सकते हैं रेसिप्रोकल लिंकिंग को हम लिंक एक्सचेंज भी कहते हैं। और ये इस तरह होता है कि आप अपनी साइट को हमारी साइट से लिंक देंगे और हम आपकी साइट को अपनी साइट से लिंक देंगे। फॉर एग्जांपल किसी की अगर कोई साइट है लाइक bukraat.com और wikipedia.com, तो मैं bukraat.com पे एक आर्टिकल लिखूंगा और उसको बैक लिंक दूंगा इस साइट से विकीपीडिया से, और मैं फिर विकीपीडिया पे एक बैक लिंक दूंगा इस साइट को, यानी यहाँ पे आर्टिकल लिखूंगा और उसको लिंक कर दूंगा इस साइट से। तो ये लिंक एक्सचेंज या आप कह लें कि रेसिप्रोकल लिंकिंग कहलाती है। और ये मेथड पहले कुछ वर्किंग करता था और अभी भी कुछ करता है, लेकिन ज़्यादातर ये अब यूज़ नहीं होता। सो होप सो कि आपको ये वीडियो में इसके बारे में इल्म हो गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।